तो एक्चुअली क्या है कि ये वीगन शादी मतलब जैन वीगन शादी है, जो वैसे तो मतलब हुई है पूरे देश में जैन वीगन शादी, और लेकिन ये एमपी की मतलब एमपी और इंदौर की बात करें तो इंदौर की प्रथम जैन वीगन शादी है। इसमें जैन मतलब कि जो जैन तो शाकाहार पूर्ण रूप से चमड़ा सिल्क का प्रयोग नहीं है, सब फॉलो करते हैं। वीगन में साथ में एड ऑन ये हुआ कि जो मतलब दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स होते, जैसे कि हम लोग मिठाइयाँ बनवाते हैं उसमें सब घी दूध मावा यूज होता है, वो सब का भी यूज नहीं किया है हमने। साथ में हमने जितना बनते कोशिश हमने किया है कि हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो पटाखों का प्रयोग नहीं किया है, प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम ट्राई किया कि उतना कम वेस्ट करें मतलब हम। साथ में जो हमारे सब गेस्ट आए थे उनको हमने रिटर्न गिफ्ट के तौर पे प्लांट्स दिए हैं, वो एक संदेश है कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक बने और पर्यावरण के संरक्षण करें। शादी में मिल्क का यूज नहीं किया है, घी लाइक घी चीज वगैरह पनीर वगैरह बिल्कुल टोफू का यूज किया हुआ है सोयाबीन के मिल्क का। जो कुल्फी भी बनी है वो सोयाबीन के मिल्क की, काजू और प्लस अपना बादाम के मिल्क की बनी है, और इसमें डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं है बिल्कुल भी, और घी भी अपना वीगन घी यूज किया हुआ है। अच्छा, और टेस्ट बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देखिए। ये इसका मतलब ख्याल कैसे आया कि ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो उपाजी है मेरे, वो कुछ 15 सालों से वीगन फूड डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी पूरी फैमिली वीगन है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं के यहीं से आया है। क्यों जरूरी है समाज में आजकल वीगन होना? एक बहुत हेल्थ इश्यू से, मतलब आप टोफू है जो सोयाबीन है, सोयाबीन तो हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल रहता है, प्रोटीन बहुत रहता है, और बाकी जो मिल्क है वो मतलब बहुत सारी चीजें है उसके, गाय का मतलब जैसे बछड़े को अपन अलग करना, वो सारी चीजें आती है, वो बहुत सारी चीजें आती है।